अगर तुम औलाद की खातिर दूसरी शादी करने का सोच लो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। What? I can't believe it. आप मुझसे कह रही हैं मैं दूसरी शादी कर लूं? मॉम आप जानती हैं मैं अनीशा से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और प्लीज ये बात अनीशा के सामने मत कीजिए। आपसे दूसरी शादी की बात कैसे कर सकती हैं? अरे वो कह रही हैं तो उन्हें कहने दो ना यार, समझ जाएंगी, वक्त लगेगा। मैंने तो इनकार कर दिया ना, मैंने उनको क्लियरली कह दिया कि मॉम मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा और इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। मेरे मूसा की तो किस्मत ही फूट गई तुझसे शादी करके। खुदा खुदा उसके दिल से ना तेरी मोहब्बत निकाल दे, नहीं तो तू जैसी बदतमीज लड़की को इस दुनिया से उठा ले। हो गया तेरा खाला, तेरे ना इन तानों से मेरी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देख चुकी, डॉक्टर से मशवरा कर चुकी, हर डॉक्टर ने आपको वही बात बोली है जो हम आपको बताते हैं। इसके बाद भी आप मुझे कुछ करने का कह रही हैं? जाहिर है तुम मुराद से जुड़ी हुई हो, आधी जिंदगी की जिम्मेदार हो तुम उसकी। तुमसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? मैं तो अनीशा बीबी से मिलने आई थी, अंदर जाने ही वाली थी कि सुना वो अपनी भाभी से भर भर के आपकी बुराइयां कर रही थी। क्या नहीं यकीन तो खुद सुन ले। मैं समझती हूँ निमा कि वो मुराद की मम्मी है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर वक्त वो मुझे टॉर्चर करे? वो देख नहीं सकती कि मैं और मुराद कितना खुश है? इस चीज के बगैर भी कितना मुश्किल है इस बात को समझना।